हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी पर्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मानसून सत्र पर 18 नवंबर को एक विधेयक पर चर्चा होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज उसमें हमारे पास न्यूज़ आ चुकी है जो जागरण ब्यूरो द्वारा आई है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। दिल्ली लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही चिट फंड संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। देश में चिट फंड का काम करने वाली कंपनियों पर कड़ी निगरानी के लिए पेश इस विधेयक पर चर्चा के लिए दौरान पश्चिम बंगाल के सांसदों के बीच अच्छी खासी झड़प भी हो गई। बंगाल के तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा के सांसदों के बीच वाद विवाद बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीच बचाव करना पड़ा। बिरला को यहाँ तक कहना पड़ा कि लोकसभा को पश्चिम बंगाल विधानसभा न बनाया जाए। चिटफंड संशोधन विधेयक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को जवाब देंगे। जहाँ दोस्तों, ये पूरी आज उन्होंने बहस सुनी और कल इसमें क्या निर्णय दिया जाएगा ये सीतारमण मंत्री जो है आपको कल बताएंगे। चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया। यह मूल तौर पर चिट फंड कानून 1982 कई अहम संशोधन करने का काम करेगा। विधेयक को पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि अभी भी देश के कई हिस्सों में चिट फंड बहुत ही अहमियत है। यहाँ दोस्तों, उनका कहने का मतलब यह है कि जैसा कि सरकार ने गलत नीतियों से इन्हें बंद कर दिया और इसको एक गाली समान बना दिया, तो दोस्तों चिटफंड कोई गाली नहीं है। इसकी आज भी बहुत से हिंदुस्तान के हिस्सों में इसकी अहमियत को समझा जाता है, क्योंकि यह बचत के साथ ही छोटे स्तर पर फंड उपलब्ध कराने का काम साधक को मुहैया कराता है। जी हाँ दोस्तों, निवेशक को मुहैया कराता है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको अगर खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इसमें सीतारमण ने क्या फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, ये क्या फैसला लिया जाएगा, इस फैसले की पूरी आपको डिटेल दी जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।